नमस्कार, आप सभी का ईट राइट एंड हेल्दी विद शिरीष गढ़े चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको मिक्स वेजिटेबल हरा दलिया बताने वाले हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी दलिया लिया है जाड़ा वाला, और 1.25 वाटी यानी 3/4 कटोरी हरी मूंग दाल ली है। ये दोनों को अच्छी पानी में धोकर थोड़ी देर के लिए भिगोया। उसके साथ उसमें मैंने ये हरा कद्दू डाला है, थोड़ा सा लिया है, फिर आधा प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा ये ग्रीन वाटाना है, थोड़ा सा गाजर है, और ये 1 कटोरी बारीक या महीन कटा पालक है। उसके साथ उसमें मैंने ये अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट ली है। अभी यहाँ पे मैंने ये 1 टेबलस्पून घी डाला है। इसमें ये गरम हो गया है, इसमें हम जीरा डाल देते हैं, और उसके साथ मैं इसमें ये अदरक हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट डाल देता हूँ। 4-5 लहसुन ली है, फिर 1/4 इंच अदरक और 1 हरी मिर्च ऐसे लिया है मैंने। अब तुरंत इसमें मैं डाल दूंगा ये प्याज, हरे मटर और गाजर और कड़ी पत्ता। इन सारी चीज़ों को मैं डाल दूंगा इसमें और 2 मिनट के लिए इसे पकने दूंगा। अब इन वेजीज को, मिक्स वेजीज को भूनते 2 मिनट हो गया है। अब इसमें ये मैं सफ़ेद कद्दू ये और ये महीन कटा पालक डाल देता हूँ, और इसे 2 मिनट के लिए मैं भून लेता हूँ नमक डाल के। इसमें मैं स्वादानुसार नमक डाल देता हूँ। डेढ़ चम्मच करीबन, और इसे मैं होने देता हूँ। पालक और कद्दू को डालकर भूनते हुए बराबर 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं ये हरी मूंग की दाल जो भिगोई थी इसे डाल दूंगा, और ये दलिया जो भिगोया था इसे भी मैं डालूंगा इसमें। और इसे मैं चम्मच से मिक्स कर लेता हूं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए, और इसमें ये महीन कटा हरा धनिया भी डाल देता हूँ। इससे उसका टेस्ट भी बढ़िया आएगा और कलर भी अच्छा रहेगा। अब इसमें पकने के लिए मैं ये गर्म पानी डाल रहा हूँ। ये 5 कटोरी पानी है। गर्म पानी डालने से इसकी जो कुकिंग की प्रोसेस है वो थम नहीं जाएगी। ये थोड़ा सा कम इसमें डाल दिया है, 4.5 कटोरी पानी, गरम पानी। अब इसे मैं ढक्कन लगाकर 3 सीटी होने तक, या जब तक ये दलिया पक नहीं जाता तब तक इसे होने देंगे। गैस की फ्लेम बड़ी कर देते हैं, और ये अपना मिक्स वेजिटेबल हरा दलिया रेडी है। ये देखिए, ये ऐसे हो गया है। प्रेशर कुकर में मैंने 3 सीटी लगाकर फिर बाद में उसको 10 मिनट के लिए कम फ्लेम पे रखा था। अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ये मिक्स वेजिटेबल हरा दलिया करके देखिए, बहुत ही बढ़िया लगता है। थैंक यू।